तजमिन ब्रिट साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम में एक बैटर और विकेट कीपर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने मई 2018 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। तजमिन ब्रिट्स का जन्म 8 जनवरी 1991 क्लर्कस्डॉर्प नॉर्थ वेस्ट साउथ अफ्रीका में हुआ। तजमिन दाएं हाथ की बैटर और विकेट कीपर हैं। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बैटर और विकेट कीपर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 1। तजमिन ब्रिट्स की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 47। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 19 मई 2018 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 87। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 26 जनवरी 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला और टेस्ट क्रिकेट में अभी इनको डेब्यू करना बाकी है। और तजमिन ब्रिट्स डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में 2004 से नॉर्थ वेस्ट टीम से खेलती हैं। तजमिन को बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी, लेकिन क्रिकेट के अलावा इन्होंने 2007 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन एथलीट्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और लंदन में 2012 समर ओलंपिक्स में सेलेक्ट होने वाली थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट की वजह से इन्हें 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे किया। तजमिन ब्रिट्स 2004 में नॉर्थ वेस्ट टीम की तरफ से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत कर चुकी थी और अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की एमर्जिंग प्लेयर्स वोमेंस टीम की कप्तानी की और 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम में नामित किया गया और 19 मई 2018 को बांग्लादेश के खिलाफ अपने T20I की शुरुआत की। फिर सितंबर 2019 में महिला T20 सुपर लीग के उद्घाटन संस्करण के लिए इन्हें टीम में नामित किया गया और जुलाई 2020 में तजमिन ब्रिट्स को CSA प्रोविंशियल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया और 23 जुलाई 2020 को इंग्लैंड के दौरे से पहले इन्हें प्रिटोरिया में ट्रेनिंग शुरू करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 24 महिला टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया। फिर जनवरी 2021 में तजमिन ब्रिट्स को पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम में नामित किया गया और 26 जनवरी 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में पदार्पण किया और न्यूजीलैंड में 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए और इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए तजमिन ब्रिट्स को दक्षिण अफ्रीका की टीम स्क्वाड में शामिल किया गया। दोस्तों, अभी इनको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना बाकी है, तो हम तजमिन ब्रिट्स के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेले और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।